के लिए लड़ना है और खुद अपने फैसले अपने हाथों में लेने हैं। ये शुरुआत हमें दिल्ली से करनी पड़ेगी। हमारे पास नई पीढ़ी के भी कुछ सदस्य हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो इस पूरे मसले को कैसे देखती हैं। एक्चुअली हमारे लिए हार्डली मैटर्स मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन कुछ भी हो, और आप लोग इतनी देर से बीजेपी और सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी सब कुछ है, पर पूरे डिस्कशन में मुझे किसी के वर्ड से ये नहीं सुना कि इमराना क्या चाहती हैं। आप लोगों ने ये सोचा कि वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं शादी करनी तो करें, ये नहीं करें तो मत करें, उसके लिए फाइट कीजिए। अब ये क्यों फाइट करें कि हिंदू ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, कांग्रेस ही चाहती है। आप ये फाइट कीजिए कि इमराना चाहती है उनके हस्बैंड साथ रहना है। अब ये क्यों फाइट कर रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है या फिर कांग्रेस? सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, सब अपने अपने सियासी फायदे देख रहे हैं। फरा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इमराना की मर्जी पर। दिक्कत ये है कि आज की तारीख में इमराना की मर्जी क्या है। इमराना पर दबाव इस तरह के हैं, अपने खानदान के दबाव हैं, समाज के दबाव हैं, अपने दीन के मुफ्तियों के दबाव हैं। तो एक औरत की, देखिए ये सारी चर्चा इसलिए सही है, वाजिब है, क्योंकि मर्जी, औरत की मर्जी पर आप 10 कार्यक्रम कर सकते हैं कि एक औरत की मर्जी खुद उसकी मर्जी है, उसके शोहर की मर्जी है, या उसके दीन धर्म, उसके ईमान की मर्जी है। इमराना इज नॉट एन एंटायरली इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग वुमन एट दिस पॉइंट इन टाइम, शी इज अंडर प्रेशर। बिल्कुल, जिस माशरे से, जिस समाज से इमराना आती है, उस वो अपनी जिंदगी का खतरा है। फिलहाल इमराना जिस पोजिशन में है, अभी हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा भी गई थी, मैं भी उस दिन वहां थी, वो तो अभी फिलहाल समझ रही है कि मैं चाहे जिस भी दबाव में बोल रही हूं मेरी जिंदगी सुरक्षित बच जाए, यही काफी है। अभी उसकी जिंदगी को भी इतना खतरा है कि अगर उसने थोड़ा और जबान खोल दी, वो अपने ही घर में मारी जाएगी। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां तक बात है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, फिरका परस्ती से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक मजबूर औरत की मदद के लिए कोई नहीं आता। गिरजा जी, क्या कहेंगे आप? वहीं से शुरुआत की थी कि वो जो चाहती है पहले नंबर पर कि कल्पित को दंड मिले, और इसलिए वो कानून के आश्रय में गई है। वो चाहती कि उसको न्याय अपने मजहब से भी मिले, जो मजहब ने हमेशा इज्जत बख्शी है औरत को। वो चाहती कि वो सुरक्षित जिंदगी जिए, और इसलिए हमने सरकार से कहा है कि सरकारें बिना बात की बातें करना छोड़ें, तुरंत प्रभाव से उसका मुआवजा और उसकी सुरक्षा निश्चित करें। और मेरी अपील हाथ जोड़ के मीडिया से भी है कि उसको और दोराहे पर और चौराहे पर 5 बच्चों के साथ ला करके खड़ी न करें। वो विवाद का विषय नहीं है, वो विषय है कंसर्न का, वो विषय है संविधान का। उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए कहीं से, कि उसके लिए हम सोल्यूशन दे करके। गिरजा जी, आप क्या करेंगे? ये सब पढ़ने की जरूरत है, मीडिया को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। आप बतौर अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करेंगे? हमने दो करी है, राज्य सरकार को भी, जिसमें कि वो फास्ट कोर्ट तुरंत प्रभाव से करें, मुआवजा दें, ताकि 21 दिन में जैसा फैसला हुआ वो फैसला जल्दी से हो। हमने कहा है कि सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महिलाओं की बहदूरी के लिए जब तक नहीं करेंगी, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूर है, इसलिए चौराहे पर बार बार खड़ी हो जाती है, उनके लिए वो पूरे का पूरा व्यवस्था करके। बहुत सारे सवाल उठे हैं, जवाब जो है अभी भी मिल नहीं पा रहा है कि यहाँ से आगे का अगला कदम क्या होगा। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझें कि ये जरूरी नहीं कि हर इंसान वहां जाके इमराना की गोद में बैठ जाए। अलग अलग तरीके से अलग अलग मदद हो सकती है। मैं समझती हूँ कि इस तरह से इस मुद्दे को उठाना, लोगों की राय लेना, खास तौर से महिलाओं की राय देना, जो कि उसके पक्ष में है, जो कि चाहते हैं कि जो वो इंसाफ उसके साथ तभी होगा जब इमराना की मर्जी मानी जाएगी। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आवाज बुलंद करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस वक्त वो इतनी घबराई हुई है कि वो अपनी मर्जी नहीं जाती। ऐसे 100% देयर शुड बी अ प्रॉपर डिबेट ऑन दिस, एंड शी शुड बी सपोर्टेड, बट फर्स्ट द मैन शुड बी पिनलाइज्ड अंडर आईपीसी। मेरा कहना है कि अभी जो स्त्री संगठन है, खास करके उनकी जीत हुई है, लोकतांत्रिक विजय हुई है एक तरह से। इस समय लोगों ने फतवा, जिसको उन्होंने कहा कि हमने विड्रॉ कर लिया, अब हमें ये करना है कि उसको पूरा प्रोटेक्शन मिले, वो उससे पूछा जाए, वो चाहती है अपने पति के साथ कहीं और रख दे ताकि वो सुरक्षित रहे, और आगे कोई इमराना और न बने। इसके लिए बैठ करके सभी संप्रदाय के लोगों को, जो मानवीय दृष्टि से बनना कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में बनेगा, पहले मानवीय दृष्टि का कोड अपने अपने संप्रदाय में भी लोग बना ले, और उसी से निकल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनेगा जिसकी जरूरत है, लेकिन उसको सुरक्षा चाहिए, उसको अपने पति के साथ रहना चाहिए।
आप सबसे आखिरी रिएक्शन लेंगे, पर हम आपको बता दें जो हमने एसएमएस पोल किया है, क्या इमराना को इंसाफ मिलेगा, जो और भी लोग देख रहे हैं, 70% लोगों का कहना है कि इमराना को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोगों का क्या कह रहा है, क्विक रिएक्शन। मैं मृदुला जी से ये गुजारिश करूंगी कि अगर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आप एक मुहिम छेड़िए, पूरे वेस्टर्न यूपी में जात पंचायतों के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए, उसको खत्म कीजिए, उससे मुसलमान हिंदू औरतों दोनों का फायदा। बहुत कुछ हमें डिबेट अभी खत्म करना होगा, वक्त खत्म हो गया है। बहुत कुछ करने की जरूरत है, साफ जाहिर है जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। जहां तक बात है धर्म की, तो धर्म का जो रोशन ख्याल जो पहलू है उसको उजागर करने की और अच्छी मिसालें ढूंढने की जरूरत है। जहां तक बात है कानून की, तो उस प्रक्रिया को उसमें तेजी लाने की जरूरत है। और जहां तक है ऐसे मसले को देखने की, चाहे मीडिया के सदस्य हो या आम लोग हो, उसको एक औरत के नजरिए से देखने की जरूरत है। आज की चर्चा में बस इतना ही। दोनों को 100 कोड़े लगाए जाए, हम जो शरीयत करेंगे, हम जो वो मान लेंगे।